गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद जी मोरेंगी चीज स्कूल. यस, सो इन अवर लास्ट क्लास आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, सो टुडे वी विल सी फ्रॉम हियर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. ओके, social justice and equality are the important objective of our constitution. Yes, so these two are the very important objective of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. Yes, so our constitution, what had given, it had given these two things, means social equality, social justice, and second one is equality. So because of these two things, because of the guidelines of these two things, new society can be opened, means established. Okay, मीन्स ये जो ट्रू गाइडलाइंस, मतलब इसको फॉलो करने के बाद मीन्स पीपल विल एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी. वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल. यस, सो वी आर फॉलोइंग द पाथ, मीन्स वॉट एवर थिंग दैट ऑलरेडी रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट पाथ वी आर फॉलोइंग, है ना. वही सारी चीज़ें, वही इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे टू अचीव दिस गोल. So to establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. Yes, so here to establish social justice, अब देखो जैसे social justice को establish करने के लिए firstly is to remove those social conditions. Obviously हम लोग को सबसे पहले क्या remove करना है, जो जो चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें जो हो रही है country में, that thing we have to remove. Social condition which are responsible for injustice, ऐसे condition जो इनजस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी, एंड गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल. यस, तो देखो हियर मतलब जो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, लाइक जिसकी वजह से मतलब डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं पीपल, राइट. ऑब्वियसली सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटी के पीपल रह रहे हैं. सम पीपल आर बिलोंगिंग टू हाई सोसाइटी, सम आर बिलोंगिंग टू लो सोसाइटी, है ना. ऐसे लोग रह रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, मतलब जितने भी पीपल्स हैं सबको हमको इक्वली ट्रीट करना है, राइट. उनके मतलब हम लोग को इंटीग्रेट नहीं करना है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों की वजह से हमको इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, राइट. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन एवरी इंडिविजुअल, मीन हर एक के डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. टू इस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी इफर्ट आर टू बी मेड एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी. यस, so obviously to establish justice and equality effort are to be made at all level of society, matlab har ek level, jitni level hoti society ki na, middle class, lower class, to sari classes mein kya hona chahiye, equality hona chahiye. obviously agar hum log agar jo lower class ke people hai un logo ko hi har field mein opportunity denge, to obviously unhi logo ka, wahi category ke people ka kya honga, matlab un logo ka hi development honga. baki jo lower caste ke, jo lower religions ke jo people hai, जो पुअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, पुअर मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसे जो पीपल्स हैं, अगर उन लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उन लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, राइट, तो उन लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं होगा. अगर हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो उन लोग को अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ईच एंड एवरी पर्सन गिव इक्वल राइट, किसी के पास क्या नहीं, कैसे होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए. That everyone do their thing for the development, okay, for their own development. So to establish justice and equality, effort are to be made at all level of society. Yes, obviously जो efforts है, right, justice and equality base पे, तो वो कैसे होना चाहिए, हर एक level पे, obviously society के हर एक level पे equal equality होना चाहिए, हर किसी को equally treat करना चाहिए. All the people who are living in a particular society, they were treated equally. बट द गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट इफर्ट एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का इफर्ट ज़्यादा होना चाहिए, राइट.
and besides that the policies are also very important है ना. अभी obviously ऐसी policies बनना चाहिए society में, country में, जिससे क्या हो हर एक category के हर एक religion का people का फायदा हो, benefit मिले उनको हर एक policies की वजह से, ना कि जो higher caste, higher religion के और higher caste के higher class के जो people है खाली उनका ही benefit ही नहीं हो, उनको एक खाली अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए. जो जितने अलग जो पीपल्स हैं, मतलब लोअर क्लास के जो पीपल हैं, उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन ईच एंड एवरी फील्ड. फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल फैक्शन ऑल ऑफ द सोसाइटी इन टू मेन स्ट्रीम. डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ एकोमोडेटिंग डिफरेंट फैक्शन इन सोसाइटी. डेमोक्रेसी हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट. Let us take review all the effort made in India in this direction. Yes. So obviously हम लोगों को इन शॉर्ट मतलब सारे जो कम्युनिटी के पीपल्स सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो पीपल्स रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के जो पीपल रह रहे हैं, उन लोगों को हर एक फील्ड में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. उन लोगों का भी हर एक ह्यूमन बींग का इक्वल ही सक्सेस उनको सक्सेस मिलना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए. सो हियर लेट अस टेक रिव्यू ऑन द इफर्ट मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन. अब ये सारे डायरेक्शन में जो जो इफर्ट है दैट हैड टेकन बाय अवर कंट्री. So let's see that effort. First one is policy of reservation of seats. All we know that मैंने आपको पहले बताया था in previous lecture that in parliament there are some seats that are reserved for lower community like SC, OBC है ना, जो lower caste के peoples होते हैं उन लोगों के लिए क्या होती है, जो seats होती है वो reserve होती है. मतलब वो seats के ऊपर वही जो candidate है वही रह सकता है. जो अदर जो candidate हैं obviously अगर वो majority से जीत भी जा रहे हैं but then also they are not able to sit on their seats. Because that's it, we are reserved for that category people. Policy of reservation of seats is mean for those section of society who have been deprived of the opportunity for education and employment for a long period of time. Yes, so here, policy of reservation of seats is mean for those section of society who have been deprived of the opportunity. Obviously, SC people. जो मतलब जिन लोगों को अच्छे से मतलब अपॉर्चुनिटी से दूर रहे उन लोगों को चांसेस नहीं मिला राइट फॉर एजुकेशन एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके सो इन अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट सर्विस सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. यस सो बिकॉज ऑफ दिस इन गवर्नमेंट सर्विसेज और इन ऑब्वियसली इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट वेयर केप्ट रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी पीपल लाइक फॉर SC और ST राइट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. इन लोगों के लिए कुछ सीट्स कैसी होती है रिजर्व की जाती है. ऑब्वियसली इन लोगों का मतलब उनको इसकी अपॉर्चुनिटी पहले से दी नहीं जाती कि वो अच्छे से अपना एजुकेशन ले सके अच्छे से अच्छी जॉब कर सके तो इसलिए उन लोगों की सीट्स कैसी होती है रिजर्व होती है गवर्नमेंट फील्ड में गवर्नमेंट सर्विस में लाइक गवर्नमेंट जो टीचिंग गवर्नमेंट स्कूल जो होती है राइट तो इन देयर स्कूल ऑल्सो जो सीट्स होती है कुछ लोअर कास्ट के लिए जो ST और SC जो पीपल्स होते हैं जो ये क्लास से बिलोंग होते हैं उन लोगों के लिए सीट कैसी होती है रिजर्व होती है. There is also a provision of reservation of seats for other background classes. Yes. So here हम लोग ने अभी SC और ST की बात की but beside that और जो other classes जो other lower classes के जो people थे backward classes के तो उन लोगों के लिए भी seats कैसी होती है reserve होती है. Now the Scheduled Caste and Tribe Prevention of Atrocities Act. So this is an important act for establishing social justice and equality. Yes. So this act, the Scheduled Caste and Tribe Act, right? So these were the very important act for establish social justice and equality. Means why they are established they established for social justice and equality. This act prevent any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribe and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. Yes, so dekho ye jo main jo act hai. So why this act they made this act for social justice and equality. मतलब इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए लोगों ने ये एक्ट बनाया राइट. तब देखो इसका क्या है दिस एक्ट प्रिवेंट एनी इनजस्टिस मतलब ऐसे जो लोअर कास्ट के जो पीपल हैं ST और SC तो उन लोगों के साथ अगर कहीं पर इनजस्टिस हो रहा है राइट उन लोगों के साथ कहीं पर अगर जस्टिस हो रहा है इनजस्टिस हो रहा है तो उन लोगों को ये एक्ट के थ्रू क्या दिया जाएगा मतलब उनको जस्टिस दिया जाएगा राइट. नाउ प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज राइट. The Indian Constitution had made several provision for the protection of minorities. Yes, so our Indian Constitution had made several provision. मतलब हमारी Constitution में तो बहुत सारे provisions हैं for the protection of minorities. मतलब minorities को protect करने के लिए protection के लिए.
So the government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities for education and employment. Yes. So government has already adopted so many policies. Government ने बहुत सारी से policies adopt कर चुकी है for the minority section to provide them good education and employment. उन लोगों को अच्छे से अच्छा education दे सके and beside that they will get a nice job, right? The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language and region. Yes. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कैसी लगी रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? मतलब ये सारी जो चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली वी हैव टू रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन है ना. ये सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी के कास्ट को लेकर बात करें तो ऑब्वियसली वो जो पर्टिकुलर कास्ट है उसको ही ज़्यादा अपॉर्चु मतलब वो कास्ट से जो बिलोंग पीपल से उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ज़्यादा ज़्यादा अच्छी उनको मतलब सर्विसेज दी जाएंगी हर एक फील्ड में हर एक चीज़ में. बट ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए मतलब उन लोगों को ये फील्ड पर मतलब ये सारी चीज़ें पर कास्ट रिलीजन रेस लैंग्वेज रीजन ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए मतलब ये सब बंद कर दिए. तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट देयर राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. यस सो हियर दिस इज ऑब्वियसली दिस ऑल थिंग आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन. ये सारे के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है फॉर द माइनॉरिटी माइनॉरिटी सेक्शन के जो पीपल्स उन लोगों के लिए तो प्रोटेक्ट देयर राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन. नाउ हियर वी विल लर्न लॉ दैट वर रिलेटेड टू द वुमेन एंड प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव. In the post-independence period, effort were made for empowering women. Yes, अब देखो post means after independence. Okay, so what the thing were happen after independence? Effort, most of the effort that made by the women. तो वो क्या हो जाता था मतलब उसको ज़्यादा मतलब obviously मतलब वो time पे ज़्यादा importance उसको दी जाती थी men को दी जाती. तो इसको जैसे जो women ने वो अपना talent सामने नहीं ला पाते थे उसको show नहीं कर पाते थे. So here In the post-independence period, effort were made for empowering women, taking into consideration the problem of women. Several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunity for their development. Yes, so here laws related to women. So what is in this? That taking into consideration the problem is whatever problem were faced by the woman. So they have to solve the problem of the woman who were facing that problem. Okay, so for solving that problem, our government had started several policies. बहुत सारी सी policies start की गई थी to solve the woman problem. Okay, so policies, several policies have been adopted at national. Obviously, जो policy start की गई थी at that time, वो कौन से level पे थी? That in the national or international level, दोनों level पे थी. Okay. And firstly, they have to remove the illiteracy. Illiteracy जो वुमेन को अच्छे से जॉब सॉरी एजुकेशन नहीं दिया जाता था पहले से तो वो सारी चीज़ों के ऊपर पॉलिसी बनाई गई थी. एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट ऑब्वियसली उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए फॉर देयर डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले अभी भी ऐसी बहुत सारी विलेजेस हैं इन अवर कंट्री जहाँ पर लड़कियों का एजुकेशन की फ्रीडम नहीं है. बट इन प्रीवियस टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो टाइम पर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही थी तो इसके लिए ऐसे ही प्रोविजन स्टार्ट किए गए थे. ओके द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड डॉरी. यस सो द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड. यस सो वुमेन हैव गॉट द राइट to take an equal share in the property of their father and in the property of their husband. Means right, woman को ये right दी गई थी कि वो अपने father के और husband की जो भी property है उसमें equal share ले सकती है. Dowry provision act against sexual harassment, domestic violence, prohibition, harassment, domestic violence act are some important provision which create a favorable environment for protection of freedom ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट. अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये सब के पीछे भी क्या लगा दी मतलब ये सारी चीज़ें भी ऑब्वियसली बंद की गई थी. इसके ऊपर क्या
गवर्नमेंट ने प्रोविजंस लगाए थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लगा दिए थे ये सारी चीज़ों के ऊपर। इसकी वजह से ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ों की वजह से भी गवर्नमेंट का मतलब वुमेन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। डॉरी सिस्टम, ऑब्वियसली ऑल वी नो वॉट इज़ डॉरी सिस्टम है ना, जो रिसेंटली अभी भी चल रहा है हमारे सोसाइटी में। फिर मतलब वुमेन को बहुत हरेस किया जाता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, घर मतलब ससुराल में उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। सो दिस आर द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करने पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस स्टार्ट किए थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ये सारी मतलब चीज़ों से वुमेन को बचाने के लिए। एंड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन, वुमेन को फ्रीडम देने के लिए एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट, एंड टू सिक्योर देयर डेवलपमेंट इन अवर कंट्री। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन हैव इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यस, सो इन अवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मतलब बहुत पहले से वुमेन हैव इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है ना, वुमेन जो है वुमेन हैव इनएडिक्वेट रही है रिप्रेजेंटेशन रही है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर वुमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था टू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, राइट। सो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव चेंजेस आर टेकन प्लेस इन इंडिया एज वेल। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की वजह से, मतलब जैसे अदर कंट्रीज वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है ना, उन लोगों को मतलब अपना इफर्ट दे रही है गवर्नमेंट क्या वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए, उनका एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री में रहना होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का उनको रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, उनको मतलब हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है मतलब पॉलिटिक्स उसमें भी आना चाहिए। तो ये सब जब अदर कंट्रीज़ में हो रहा था तो उसके बाद ऑब्वियसली इसका जो इफेक्ट है इंडिया के ऊपर भी हुआ। From this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and 74th amendment reserve 33 seats for women in local self-governing institution. Yes, अब ये सारी चीज़ों की वजह से obviously changes आए। Changes आने के बाद एक amendment pass हुआ, that is 73rd और 74th amendment. तो वो amendment में क्या लिखा हुआ था? There were 33% of seats, 33% जो seats है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, right? In the local self-governing institution, मतलब ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर 33% की जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी किसके लिए? वुमेंस के लिए। एंड दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज्ड टू 50 इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। देखो अब यही जो है मतलब 33% ये आगे जाके मतलब जो अदर स्टेट्स है ऐसे सिविल स्टेट थे जहाँ पे महाराष्ट्र भी आ रहा था वहाँ पर यही क्या हो गया था 33% का 50% हो गया था। ओके, सो डू दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। देखो अब जो लोकसभा में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हुआ, मतलब ईयर दिया है यहाँ पर एंड नंबर ऑफ वुमेन है ना, नंबर ऑफ वुमेन कितनी वुमेन थी मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव, राइट, एंड परसेंटेज। सो फर्स्ट 1951 टू 1952 तो कितनी वुमेन थी लोकसभा में? 22 वुमेन्स फॉर देयर, राइट, दैट इज 4.50%। एंड इन 1957 there were again 22 women's. Okay, we can see directly last one, that is 2014 mein obviously dekho pehle 22 up and down hai, 22 31 29 28 matlab increase hote gaya hai na, maybe 1977 mein jo number hai women ka hai na wo kam hua hai, less hua hai, it's coming to 19, but abhi right now matlab not right now till 2014 jo women thi in lok sabha to kitni thi? 66, that means 12.15% की वुमेन का वुमेन्स प्रेजेंट थी उसमें। नाउ रीड द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ